हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल टेक प्रेजेंट में। दोस्तों, ज़रा आप सोचिए कि आप अपना मोबाइल फ़ोन चला रहे हो और अचानक से आपका मोबाइल डिस्प्ले का जो स्क्रीन होता है वो क्रैक हो जाता है और उसके फूटने की आवाज़ आती है। तो दोस्तों, कुछ मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ पे आपको सारे पार्टिकल्स, मोबाइल के जितने भी अंदर के पार्टिकल्स होते हैं वो दिखाई देते हैं स्क्रीन पर, और ऐसा लगता है कि मोबाइल के अंदर का सर्किट जो है वो हमें डिस्प्ले पर दिखाई दे रहा है आर पार। तो दोस्तों, और यहाँ पर आप भी देख सकते हो जो इसका डिस्प्ले है वो ऑटोमेटिक ही ब्रोकन हो जाता है, यानी कि टूट जाता है। तो दोस्तों, इस तरह से आप अपने किसी भी दोस्त को मूर्ख बना सकते हो। दोस्तों, अगर आप भी अपने दोस्त को मूर्ख बनाना चाहते हो तो आपको इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। तो इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए आपको प्ले स्टोर में जाना होगा और वहाँ पर आपको जाकर सर्च करना है आपको क्रैक्ड स्क्रीन 3D। इतना सर्च करने के बाद आपको जो एप्लीकेशन दिखाई दे रहा है इसको डाउनलोड कर लेना होगा। अब आपने ऐप को डाउनलोड कर लिया है तो उस ऐप को आपको ओपन करना होगा। तो आपको ऐप को ओपन कर लेना है, फिर सेटिंग पे क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करके आपको सेट टू ब्रेक स्क्रीन पे क्लिक करना है और इसको ऑन कर देना है। ये पहले से ऑफ रहता है, जब इसको ऐप को ओपन करोगे तो ये ऑफ रहता है। तो आपको सेट टू ब्रेक स्क्रीन को ऑन कर देना है और उसके नीचे जो वाइब्रेट और प्ले साउंड का ऑप्शन है उसको ऑन कर देना है। वो पहले से ऑफ रहता है, उसको ऑन कर दोगे तो टिक का निशान आ जाएगा। तो फिर से आप जान लो इसको आपको क्या करना है, सेट टू ब्राइट स्क्रीन इसको ऑन कर देना है। उसके बाद से आप यहाँ पर नीचे दो को ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, वाइब्रेट और प्ले साउंड, तो इस दोनों को भी ऑन कर देना है। ये पहले से ऑफ रहता है तो इसको ऑन कर दोगे तो जब ब्रोक होगा स्क्रीन तो आपको रियल जैसे साउंड और वाइब्रेशन देखने के लिए मिल जाएगा। इतना करने के बाद आपको बैक करना है और यहाँ पे आपको ऐसा इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। तो आपको यहाँ पे ऊपर सेट वॉलपेपर पे क्लिक करना है। उसके बाद से आपको यहाँ पे दो मेन्यू खुल के आ जाएंगे, होम स्क्रीन और होम एंड लॉक स्क्रीन। तो आप जहाँ पर इस वॉलपेपर को लगाना चाहते हैं वहाँ पर आपको इसको सेव करना होगा। तो अगर आप होम स्क्रीन पर केवल लगाना चाहते हैं इस वॉलपेपर को तो होम स्क्रीन पर लगा सकते हो, और आप होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन यानी कि जब आपका स्क्रीन लॉक रहे तब भी वो दिखे ये एनिमेशन वाला वॉलपेपर, तो आप दोनों पे भी सिलेक्ट कर सकते हो या फिर होम स्क्रीन पे भी केवल इस वॉलपेपर को लगा सकते हो। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।